बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए करतार सिंह भड़ाना। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पूर्व विधायक रहे करतार सिंह भड़ाना ने बसपा का हाथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आज आधिकारिक तौर पर वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। 2019 की शुरुआत में उन्होंने बसपा ज्वाइन की थी। इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल में वो बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। बसपा ने उन्हें मध्य प्रदेश की श्योरपुर मुरैना सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ही राज्यों में विधायक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान करतार सिंह भड़ाना चौधरी अजीत सिंह की पार्टी रालोद राष्ट्रीय लोकदल से मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र के विधायक चुने गए। इसके बाद राज्य में 2017 में हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने उन्हें बगापत सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि उस चुनाव में वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। इसके बाद वो बसपा में शामिल हो गए। बता दें कि उन्होंने सपा के टिकट से भी चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1996 और 2000 में लगातार दो बार वो हरियाणा से विधायक रह चुके हैं और वो हरियाणा के समालखा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे। दरअसल 1996 में करतार सिंह विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, वहीं 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। इस दौरान उन्होंने जीत दर्ज की थी। जानकारी के लिए बता दें कि करतार सिंह हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री भी रहे थे। दरअसल करतार सिंह भड़ाना हरियाणा सरकार में मंत्री रहे और 4 बार सांसद रहे। अवतार सिंह के भाई हैं। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं ये जनता की सेवा कर सकूं और बीजेपी में मैं पहली बार नहीं, मैं पहले बीजेपी में था, कई भाई मेरे से कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मेरी सेवा की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं जाना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी की नीतियों में, अध्यक्ष जी की नीतियों में ही नहीं, इस देश को पूरा विश्वास है कि इस देश को अगर बचाया है तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वो छुपे हुए नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा इस बात के लिए तैयार है। कई भाई कहते हैं कि विकास कम हुए हैं, ये तो सारा देश जानता है कि ये हिंदुस्तान विकास चाहे कम रहे रह सकता है, लेकिन देश का सम्मान ना बचे तो ये नहीं रह सकता है। इस देश के सम्मान बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा है और इसके सम्मान को बचाया है, इस देश को बचाया है। और हम भी बस देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि देश होगा तो सेवा कर सकेंगे, अगर देश ही ना रहता तो कहां से सेवा करते हैं।